जोजो किड्स। बिल्ली और मुर्गी। जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उसे चोरी करना बहुत पसंद था। जब भी मौका लगता वह किसी न किसी का खाना चुराती। एक दिन बिल्ली ने देखा एक मोटी ताजी मुर्गी अपने अंडे से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आओ, मैंने बहुत से मीठे मीठे दाने तुम्हारे लिए जमा करके रखे हैं। जब तुम बाहर आओगे तब मैं हर पल बस तुम्हारे साथ रहूंगी, एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बिल्ली मुर्गी की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा ये बात है, ये मुर्गी तो बड़ी कमाल की है, खुद भी मोटी है और अपने बच्चों के लिए भी जमा कर रही है। अगर मैं इसका जमा किया भोजन खा लूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली ने मुर्गी पर पूरा दिन नजर रखी और मौका मिलते ही सारे दाने खाने के लिए वहां पहुंची। मुर्गी बहुत समझदार थी, उसने पहले से ही अपने जमा किए अनाज के थैले को आसपास छोटे छोटे गुलाब के फूल के कांटों से ढक कर रखा था, जिससे उसके अनाज को अगर कोई चुराए तो उसे कांटा चुभ जाए। और ऐसा ही हुआ, बिल्ली के वहां पहुंचते ही उसे बहुत से कांटे चुभ गए और वह जोर जोर से रोने लगी। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरे पैरों में कांटे, इतने सारे कांटे, हे भगवान, कोई है, कोई है। तभी कुछ देर बाद मुर्गी आई और जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा तो तुम मेरे बच्चों के दाने चुराने वाली थी, अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। आज के बाद कभी खाना मत चुराना, समझी? हाँ हाँ, नहीं चुराऊंगी, पर अब तुम ताने मारना छोड़ो और ये कांटे बाहर निकालो, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मुर्गी ने बिल्ली के पैर से सारे कांटे निकाल दिए और कहा, सुनो बिल्ली, खुद परिश्रम करके खाना खाओ तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई। देखो देखो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आ रहे हैं, चलो इनका स्वागत करें। दोनों मिलकर नन्हे नन्हे अंडों से जो बच्चे आ रहे थे उनका तालियां बजाकर स्वागत करती हैं। मुर्गी और खरगोश। एक दिन खरगोश एक खेत में गया और बड़े मजे से गाजर खाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, ये कैसी आवाज है? बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अरे ये तो मुर्गी की आवाज है, जरूर मुर्गी किसी मुसीबत में है। खरगोश ने पूरे खेत में देखा, उसे मुर्गी नहीं दिखी। फिर खरगोश ने पेड़ और उसके आगे पीछे देखना शुरू किया, मगर मुर्गी कहीं भी नजर नहीं आई। फिर खरगोश परेशान होकर पेड़ की छांव में थक कर बैठ गया। अरे कहां खोजूं, समझ नहीं आ रहा ये आवाज कहां से आ रही है, क्यों ना मैं भी आवाज लगा कर पूछूं और उस जगह आवाज के सहारे पहुंच जाऊं। मुर्गी दोस्त, क्या हुआ? मैं हूं खरगोश, बताओ तुम कहां हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अच्छा खरगोश, जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं दो पेड़ों के बीच में फंस चुकी हूं, ये पेड़ टूटे हुए हैं और मैं इनके बीच में फंस चुकी हूं। खरगोश ने आवाज का पीछा किया और पाया कि सच में मुर्गी दो बड़े बड़े पेड़ों में बुरी तरह फंस चुकी थी। ओहो, यह तो तुम सच में बहुत बुरी तरह फंसी हुई हो, काफी चोट लगी होगी, पर मैं तो इतना बड़ा नहीं कि इन्हें हटा सकूं। जाकर किसी और जानवर को लेकर आता हूँ। ठीक है, पर तुम जल्दी आना दोस्त। बस मैं अभी गया और अभी आया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। खरगोश दौड़ता हुआ जंगल की तरफ जाता है, तब उसे रास्ते में भालू मिलता है। अरे अरे, इतनी तेज भागते हुए कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए, चलो मेरे साथ। रास्ते में खरगोश भालू को सारी बात समझाता है और भालू की मदद से मुर्गी की जान बच जाती है। शुक्रिया खरगोश और भालू भाई। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। पर तुम यहाँ कैसे फंस गई? एक शिकारी मुझे पकड़ने के लिए भागा, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर मैं भागते भागते न जाने कब इन पेड़ों के बीच में आकर छुप गई। शिकारी तो चला गया मगर मैं यहाँ फंस गई। तुम फंस गई,
लेकिन मैंने तुम्हें निकाल लिया। हाँ हाँ, इसीलिए जंगल में सबकी मदद करनी चाहिए, हम कभी भी किसी के भी काम आ सकते हैं। नृत्य प्रतियोगिता। जंगल के सभी जानवर बहुत उत्सुक थे क्योंकि राजा शेर ने एक नृत्य प्रतियोगिता रखी थी और सभी उसकी तैयारियों में लगे थे। खरगोश ने इस बार बहुत मेहनत की थी, वह हर बार जीतने वाले पक्षी मोर को इस साल हराना चाहता था। कैसे हो तुम मोर? मैं ठीक हूँ। तुम अभ्यास नहीं कर रहे? इस बार खरगोश भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसका इस बार एक ही लक्ष्य है, तुम्हें हराना। मुझे? वह नन्हा खरगोश मुझे हराएगा? असंभव। सारी जिंदगी अभ्यास करे फिर भी मेरे जितना अच्छा नृत्य नहीं कर पाएगा। इस बार भी देख लेना, मैं ही जीतूंगा। खरगोश मेरे दोस्त, यह लो, मैं मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, इसे खा लो। आज प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे, मुझे तुम्हारी मेहनत पर बहुत भरोसा है दोस्त। चलो प्रतियोगिता जीतने चले। जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा है, वैसे ही मुझे तुम्हारे प्रसाद पर भरोसा है दोस्त। आज की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा, मैंने कड़ी मेहनत की है और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत करने से हर असंभव चीज संभव हो सकती है। हाँ दोस्त, इस मोर का घमंड हमें तोड़ना ही होगा, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त प्रतियोगिता के मैदान तक पहुँचे। प्रतियोगिता के समय सभी जानवर बहुत उत्सुक थे, कोई मोर को प्रोत्साहित कर रहा था और उसी के लिए आवाजें लगा रहा था, तो कोई खरगोश के लिए ऐसा कर रहा था। सबसे पहले मोर को नाचने का मौका दिया गया। हमेशा की तरह मोर बहुत अच्छा नाचा। मोर के बाद अन्य प्रतियोगियों को एक एक करके मंच पर आकर अपना नृत्य दिखाना था। सभी का नृत्य अच्छा था, मगर उन सब के मुकाबले मोर का नृत्य बहुत अच्छा था। सबसे अंत में खरगोश को मौका मिला। खरगोश ने जी तोड़ मेहनत की थी, उसने इतना सुंदर नृत्य किया कि राजा शेर उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। वाह 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 वाह, इतना सुंदर नृत्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज का विजेता और कोई नहीं, हमारा खरगोश है। और सभी लोग तालियां बजाने लगे। मोर चुपचाप शर्मिंदा होकर वहां से। सियार और सांप। एक जंगल में एक सियार और सांप दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों जो भी करते साथ साथ करते। एक दिन सियार ने सांप से कहा, हम दोनों सैर पर चले, आज मौसम बहुत अच्छा है। दोनों बड़े मजे से जंगल की ओर सैर के लिए निकल पड़े। सियार ने रास्ते में पड़ी हुई एक बीन देखी। अरे ये क्या है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है या कुछ और? ये गोल गोल लग रहा है। अरे इसे दूर रखो, मुझे उससे डर लग रहा है। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? बीन, बीन है ये। ये बीन क्या होता है और तुम्हें इससे डर क्यों लग रहा है दोस्त? ये वो बाजा है जिसे बजाकर सपेरे हमारा नाच दिखाते हैं और पैसे कमाते हैं। इस बीन का मतलब आसपास कोई सपेरा हो सकता है। चलो चलो भागो, कहीं यहाँ से भाग निकलते हैं। सांप इतना डर गया था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और लगातार भागता चला गया। सियार भी अपने दोस्त सांप के साथ भागता रहा और जब सांप रुका तब सियार ने कहा, अरे बस बस अब रुको भी, ये बीन तुम अपने साथ क्यों ले आए? अब मैं बीन बजाऊंगा और तुम नाचोगे दोस्त। अरे तुमने ही तो कहा था ये बीन एक बाजा है जिसे बजाने पर सांप नाचते हैं। क्या दोस्त, तुम भी मजा ले रहे हो? क्यों नहीं, आज तो मैं तुम्हारा नाच जरूर देखूंगा। ठीक है तो फिर बजाओ। सियार ने बीन बजाई और सांप ने अपना सुंदर नाच दिखाया। धीरे धीरे
सभी जानवर इकट्ठा हो गए और सांप का सुंदर नाच देखकर सभी चकित रह गए। जादुई मेंढक सोनू और मोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के वक्त वे दोनों साथ साथ गेंद से खेला करते थे। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, चलो दोस्त आज नदी किनारे चलते हैं, बहुत दिन हुए वहाँ जाकर नहीं खेला। मगर वहाँ जाएंगे तो हमारी गेंद पानी में गिर सकती है। कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। ठीक है। दोनों नदी किनारे जाकर खेलने लगते हैं। अब उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। सोनू कल से रोज यहाँ आएंगे, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोस्त ने तय किया कि अब वो रोज यहीं आकर खेलेंगे। कुछ दिन तक सोनू मोनू वहीं जाकर रोज खेलने लगे। पानी में एक जादुई मेंढक रहता था जो उन्हें हमेशा देखकर खुश हुआ करता था। काश मैं भी इनके साथ खेल सकता, बड़ी ही मजेदार गेंद है, मगर मैं इनके साथ कैसे खेलूं? एक दिन सोनू खेलते समय मोनू से कहने लगा, ध्यान से दोस्त कहीं गेंद को पानी में मत फेंक देना, हमारे पास और गेंद नहीं है। अचानक कुछ देर बाद मोनू से गेंद पानी में जा गिरी। अरे तुमने ये क्या किया, अब हम क्या करेंगे? अचानक मेंढक को मौका मिला। मेंढक ने गेंद को सोनू मोनू को वापस लौटा दिया। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे दोस्त देखो हमारी गेंद वापस आ गई, दोबारा फेंक कर देखूं। नहीं नहीं अगर फिर न लौटी तो? कुछ नहीं होगा। सोनू ने दोबारा गेंद को पानी में फेंका। फेंकते ही वापस मेंढक ने गेंद को बाहर कर दिया। अरे ये देखो हमारी गेंद फिर से वापस आ गई, कौन है पानी में, कौन है जो हमारी गेंद वापस कर रहा है? मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं हूँ जादुई मेंढक, मुझमें बहुत सी शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या सच में? तुम तो बड़े मजेदार हो, आज से हमारे साथ खेला करो। तुमने हमारी सबसे अच्छी गेंद हमें लौटाई है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। जरूर। जादुई मेंढक सोनू मोनू का दोस्त बन चुका था। अब जब भी उन्हें खेलना होता वे नदी किनारे ही आते, और जब भी नदी किनारे आते और पानी में गेंद चली जाती तो जादुई मेंढक उनका अपना दोस्त उसे वापस कर देता। प्लीज सब्सक्राइब।